पहुँचने तक। और आप देखें ऐसे आज हमारे जंतर मंतर पर, जंतर मंतर में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि गन्ना का दर्शन क्या क्यों है। मेरा नाम जमील अहमद है, पेशे से काउंसिल हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। गन्ना प्रशासन में आने का मेरा मुद्दा ये था क्योंकि सन 1915 में रेखा वर्मा की पुत्र, इसका नाम आशीष कुमार था, उसकी निर्भरतापूर्वक हत्या घर में कर दी गई। और घर में करने के बाद फिर जब वो अपनी ड्यूटी से रात में वापस आती है और सवेरे घर ताला पड़ा रहता है तो ये जानकारी देती है लड़का मेरा कहाँ है, तो पता ही चलता है कि इसका लड़का जो है हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल एडमिट है। जब ये वहाँ जाती है तो पता चलता है इसका लड़का जो है एक्सपायर हो चुका है। जब ये थाने में FIR कराने जाती है तो वहाँ पर FIR नहीं लिखी जाती और सपा की सरकार थी, सपा की सरकार में जो गुंडागर्दी हुई है वो आज तक उत्तर प्रदेश की जनता और लखनऊ की जनता इसको भुला नहीं पाई है और ना ही ये औरत खुद भुला पाई, क्योंकि इसके साथ एक पीड़ा हुई है। जब ये जानकारी हम लोग को हुई तो हम लोग एक सामाजिक आंदोलन लेकर के वहाँ पे धरना और प्रदर्शन लखनऊ में गांधी प्रतिष्ठान के सामने किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा हुआ सपा सरकार के बाद जब भाजपा सरकार आई तो उसके जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक और यहाँ तक कि कोई मंत्री भाजपा का नहीं बचा जिसके सामने ये पीड़िता गई ना हो। और जा करके उन्होंने अपने पत्र लिखे और उसके बाद जब सब लोग मिले तो उन लोगों ने किसी ने कहा हम CBI जांच कराएंगे। आप विश्वास रखिएगा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है और इस सरकार में आपके आपके परिवार को और इनको न्याय से रेखा वर्मा जी को मिलेगा। लेकिन CBCID का आदेश, CBCID का आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि एक बार हमको मौका दे दीजिए कि हम इसकी CBCID करवा दें। और CBCID से हम लोगों ने कहा कि साहब आपकी CBCID पर हमारा कोई विश्वास नहीं है, इसलिए कि जब इस आपकी सरकार के अंदर आपके पुलिस वाले ये व्यवस्था के ऊपर नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो ये विश्वास को प्राप्त कहाँ से होगा। नतीजा वहाँ कहा कि योगी जी ने स्वयं इस महिला से और कम से कम 250 लोगों के बीच में ये बात कही कि एक बार हमको मौका दे दीजिए, हम CBCID की जाँच करा कर इसको न्याय दिलवा देंगे। तभी ऊपर भी विश्वास में आया, उनको समय दिया। CBCID की इंक्वायरी सेटअप हुई, सेटअप होने के बाद दरोगा जो वहाँ का था नवल किशोर और मणिराम नायब दरोगा इसके घर पे आकर के उसको धमकाते रहे और जो लोग गवाह थे उन गवाहों को भी धमकाया और झूठे मुकदमे फंसाने की साजिश की। परिणाम स्वरूप ये निकला कि कोई भी CBCID की इंक्वायरी कही, जब CBCID के DIG JTP से एक साल के बाद मिले उन्होंने कहा कि मैंने इस पर जाँच कर ली है और इस जाँच का रिपोर्ट आपको नेट द्वारा प्राप्त हो जाएगी। जब नेट अगर खोजा गया तो उसमें कोई जाँच नहीं थी। जब दोबारा उसके मिलने गए तो उन्होंने कहा मैंने जांच कर दिया, तो मैंने उसके लिए जांच के जाँचों प्राप्त संबंध में कार्रवाई हुई थी उस पर RTI मांगी तो RTI से घबराए तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि मैं इसकी दोबारा जांच कर रहा हूँ, अब दोबारा जांच करने में साल दो साल और बिता देंगे, तब तक भाजपा सरकार रहे या न रहे लेकिन इस पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं और जंतर मंतर का शोषित समाज दल के बैनर के नीचे और वाहन के नीचे हम आ करके अपनी विचार बयान रख रहे हैं कि इस प्रकार की घटना को लेकर के CBCID CBI जांच हो। और जांच में यही नहीं, दरोगा से लेकर SSP तक निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ 302 धारा के तहत 120B षड्यंत्र के तहत मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जाए, तभी माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में और केंद्र की योगी की सरकार में कुछ दम है। आप कहती हैं आपके बेटे की मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई थी, आपको क्या क्यों लगता है कि वो उसकी मृत्यु हत्या की गई थी? सर इतनी लड़ाई हुई है, मेरे घर में इतना तोड़ फोड़ हुआ, सारा सामान हमारा बिखरा हुआ था। जब मैं आई तो मेरे पास चाबी नहीं थी, उस लड़की के बॉडी से हमने जब चाबी निकाली तो पोस्टमार्टम से मिट्टी लेके घर आई, तब मैंने अपने कमरे की हालत देखी। और उसके बाद मुझको पहले से ही पता था कि सूरज नहीं मारा है, क्योंकि सूरज उसी समय तुरंत फरार हो गया था और सूरज को इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है और सूरज को बचाया है पैसे के ने देखे। आप लड़ाई कब से लड़ रही हैं अपने बच्चे के साथ? ये 4 साल हो गए हैं, 2015 का ये हमारा केस है, तो हम इसके लिए न्याय चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं अपने इंसाफ के लिए।
लेकिन सब हमारे मामले में लीपापोती हो रही है CBCID तक, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है हमारे लिए। लेकिन हमको न्याय कब तक मिलेगा? एक सरकार चली गई है, दूसरी आ रही है, ये भी चली जा रही है, बताओ कितने दिन रह गए हैं? हमें कब मिलेगा? हमें इसका जवाब चाहिए एक इंसान का, कब? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।